और इस कार्यक्रम में मैं जहां खड़ा हूं वहां पास में जिस तरह से बाबा साहब को इन्होंने केपी चौधरी साहब ने और उनकी टीम ने दिखाया है, मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। मैं थोड़े दो तीन गंभीर विषय सुनूंगा। देखिए कोई विषय हो सकता है मेरा आपको पसंद नहीं आए तो चिंतन करना, हो हल्ला मत करना। मेरा ऐसा मानना है कई जगह कोई विषय मैं कहता हूं तो बोला ये तो हमें पसंद नहीं है, तो आप ठीक है पसंद नहीं है वो हो हल्ला। हम 70 साल में काम करें ये चिंतन का विषय, या कोई स्कोर बटोरने का विषय आज होना भी नहीं चाहिए। और बाबा साहब ने ये इजाजत भी नहीं दी किसी को कि हम कोई स्कोर बटोरे कोई समाधि चिंतन के समय। इट शुड नॉट बी द आवर टारगेट। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम समाज को आगे कैसे बढ़ाएं, हम कैसे समाज को लीडरशिप दें। अभी तो इस हॉल में बैठा है यही समाज नहीं है सर, समाज बहुत बड़ा है, तो उस समाज को हम लीडरशिप कैसे दें, ये क्या हमारा चिंतन का विषय नहीं होता कि जैसे ऐसे मीटिंगें होती है मैं कई बार देखता हूं, एक समाज की तारीफ करो कभी कभी अच्छा लगता है, एक समाज की बुराई करो तो कभी कभी और भी अच्छा लगता है। ये बुराई और अच्छाई का विषय नहीं है जी, ये जो मंच है एक होती है सोशल गैदरिंग, वहां पर आप सामाजिक हर तरह की बात कर सकते हैं। एक होती है जिसमें हर तरह के लोग बैठे हैं, रस्तोगी साहब भी बैठे हैं सर, ये LIC ने 2.5 लाख रुपए दिए हैं तो कोई चिंतन रहा होगा तभी दिए होंगे ना है? तो क्या हम LIC की रस्तोगी साहब के समाज की बुराई करने के लिए यहां बैठे हैं क्या? ये चिंतन अपना होना चाहिए कि हम समाज का चिंतन करें, और तो हर जगह तो अच्छे लोग हैं और हर समाज में मिलेंगे, उस अच्छे लोगों का साथ करें और जो बुरे लोग हैं उनका परित्याग करें, यही तो चिंतन है। तो जो बाबा साहब जी का के गए हैं और जिसका जिक्र भी केपी चौधरी साहब कर रहे थे, इसलिए ये मेरे कुछ इनिशियल रिमार्क। अब मैं मंच पे बैठे हुए हमारे, ये कोई छोटी बात नहीं है जिसका भी जिक्र कर रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर आगे बढ़ेगा। जो बाबा साहब ने कहा कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए जो समाज का लीडर बनता है। ये सब जानते हैं अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, NRC के चेयरमैन बने और मैं मंत्री बना, आप कोई अधिकारी बने, तो वो किसकी वजह से बने साहब? बाबा साहब की वजह से बने भाई। मैं को क्या सबको सलाम करता हूँ, बाबा साहब को सलाम करता हूँ उठ के। हम खाली कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, देख पाऊ आए बात सुन तो सोसाइटी भाई, लेकिन जो समाज। अब एक अब हमारे HL ज्योति साहब बोल कि कुछ ही नहीं हुआ, और हमारे जो नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।